हिंसा अगर परले ना करती है इंसान का मान नहीं होता। हिंसा अगर परले ना करती है इंसान का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, कितने भी गांधी पर जाते आजादी का सहकार नहीं होता, आजादी का सहकार नहीं होता। तो भाई मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और तो शाम विधानसभा में हम खड़े हैं। हर्षवर्धन मान के लिए काफ़ी सारे समर्थक जुटे हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी भी कर रखी है। तो वीरपाल खरकिया की बात करा, रेखा लांबा की बात करा, लोक गायक और गायिका सुप्रसिद्ध स्टार कलाकार है, मेरे गलत मौजूद है। पहले तो हमारे दर्शक ने राम राम कर दो, लेकिन तो जी आपका तो मैंने स्पेशल बात ज्यादा करने का मन कर गया। पहली बार देख रहे हैं कोई लोक गायिका जो फीमेल कलाकार है देशभक्ति के गाने पे एक मतलब लोगों को मनोरंजन भी कर रहे हैं और देशभक्ति के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं, इस तरह की आइडिया करता है। 2 मिनट में सीएम साहब आपके ज्यादातर आपने बेरा है, फीमेल कलाकार ज्यादातर के रहे हैं लेकिन आप देशभक्ति के गाने गा रहे हो, बहुत अच्छा लगे। युवाओं के अंदर जोश भरता है, भाई जो दाएं जो साथी युवाओं के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, हम इनकी बातें गाएंगे तो जितने हमारे महबूब नेता थे वे शहीद है, वे जो इस भारत देश के उनकी हम गाथा गाएंगे तो जनता को पता लगेगा। रेखा जी आपने एक बात कही थी, आजादी चरखा तो नहीं आई, तो फिर आजादी क्या था, क्यों कर आई आजादी? जी आजादी तरक्के से नहीं आई थी, आजादी आने के लिए पता नहीं कितनी माओ के लाल गए, कितनी बहनों के भाई गए, कितने औरतों का सुहाग उजड़ा जब हमारे देश को आजादी मिली थी, आजादी तरक्के से नहीं आई। तो नुकस को आप भगत सिंह का मुख्य रोल रहा है, गरम आप गरम दल के हो, गरम दल हो कि नरम दल हो, हम जी गरम दल है। इस भारत देश के लिए हम कलाकारी छोड़ सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, उन शहीद आजम भगत सिंह है और धन्यवाद करता हूँ भाई कर्म धर्म आपका, जो नेताओं को भी समाज को भी और कलाकारों को भी बहुत बड़ा एक और निवेदन, बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं गरम दल के जो गुमनाम हो गए, उनने भी खुद खुद गले उनके बारे में, उनके लिए भी हम रागनी बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नाम उजागर किए, धरती चली जाती है उनके नाम, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है वो ठीक लगा कि नहीं? बहुत खुशी होती है, राष्ट्रवाद बिल्कुल खुश है जी। चलो जी, तो रेखा लांबा और वीरपाल खरकिया इनका हमने बात करी और पहली बार देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम में देशभक्ति के गाने में फीमेल कलाकार यानी कि लोक गायिका रेखा लंबा ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि अच्छी बात किया तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो ताकि फीमेल कलाकार के बारे में हमको बता सका, देशभक्ति के बारे में बहुत कुछ करा जय सके हम और आप मिलकर बहुत कुछ ठोक दो शेयर बाजी उनकी आवाज।